नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती। जातिर पिता महात्मा गांधी को आज दिन में मने पकेबा हूँ सबुठ बड़ प्रासंगिकता, से गणमाध्यम हो बा सोशल मीडिया हो, किंतु एक दुर्भाग्यजनक घटना बोली मु कहिबी जे जदि आपण ट्विटर को आज देखिथिबे, ट्विटर रे गांधी जयंती रे ट्रेंड करुछि गॉडसे जिंदाबाद, गॉडसे। तेणु आपण अनुमान करंतु भारतर स्वाधीनता पाइबारे जहाँकर सबुठ बड़ अवदान बा बड़ भूमिका थिला, सी थिले जातिर पिता महात्मा गांधी। एवं तांकर जन्मदिन को जो भली भाव लोक मैंने मन पकेबा कथा, अंतत पक्षे स्वाधीन भारतर नागरिक हिसाब रे आज दिन में जहाँ घटला ट्विटर रे, एवं जो कथाटी मुझे उल्लेख करुचे बाबदे आलोचना भी करी, सतरे आज गांधी प्रासंगिकता हरई कि गांधी कौन आज भारतीय अप्रासंगिक हो पड़ती कि, एवं सोशल मीडिया रे गॉडसे जदि ट्रेंड करेंगे आज दिन में ताल कौन कहपे, ए संपर्क आलोचना करवा वरिष्ठ सांबादिक प्रियरंजन साहू मो सहित रही। श्रीजुक्त साहू, मोर प्रश्न रपण को जे आज दिन में ट्विटर रे जो ट्रेंड करुच्छी गॉडसे जिंदाबाद, जी कि गांधी हत्याकारी, ता कौन सूचौ जे कौन गांधी ठारू गॉडसे आज अधिक प्रासंगिक हो पड़ती कि? देखु एटा बहुत दुखर कथा, किंतु एटा नुआ हेकरी रही ना। जो दिन ठु 2014 मसीह मोदी सरकार आसिले सेंटर रे, यही प्रकार जिनस प्रति वर्ष गांधी जन्मदिन गांधी यही दिन रे जयंती दिवस यही सब हो गोटे सिस्टमेटिक कैंपेन चलू, गोटे इकोसिस्टम नुआ इकोसिस्टम तैयार हो नुआ इकोसिस्टम कहले आपण देखंतु ट्विटर रे खाली गांधी नुहंती, नेहरू को ऊपर अनावरत आक्रमण चली इकोसिस्टम द्वारा। सेटा को आमे जदि कहिबा बीजेपी आईटी सेल जोटा को इनफेमस हो गला वर्तमान, बहुत उद्भट जिनस गुडाक जो जो थर जहार कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नोटे इल्यूजनरी जिनस तैयार करी से मैंने यही व्यक्ति मानू जो मैंने आम स्वाधीनता समय बड़ योगदान देते आक्रमण कर चली गांधी को जो आक्रमण कर से माने जो माने आक्रमण करुछंती से माने बुझिबा कथा आज जो से माने गांधी को ऊपर आक्रमण करुछंती आज से माने छिड़ा हेछंती ए भारत भूमि रे गांधी को पाई स्वाधीनता पाइछंती गांधी को पाई गॉडसे को पाई स्वाधीनता पाई नहंती गॉडसे पर कौन से अवदान नथिला भारत स्वाधीनता संग्राम समय रे। दुखर कथा ए इकोसिस्टम चली जो समय रे मोदी प्रधानमंत्री मोदी जाउछंती अमेरिका आउ सेठी गांधी नॉन वायलेंस उपर भाषण मारुछंती कहीं कही पारे गॉडसे विषय अवदान विषय कहीं अवदान किसी नाही। गांधी गोटे बड़ ब्रांड इंटरनेशनल लेवल रे जो सरकार वर्तमान अच्छी से माने भी जानी तो गांधी नाम से माने ऑफिशियली नेबे। श्रीजुक्त साहू, मूल कथाटी हूँ जे विदेश रे गांधी चलुछंती, विदेश रे गांधी भारतीयों पर प्रत्येक भारतीयों पर प्रासंगिक बा प्रसंग माने बड़ प्रसंग है कि आज भी रही, किंतु तांकर जेते बड़े जन्मदिन को पालन करा जाउछि एवं जोठी तांकर त्याग बा बलिदान को आम भूलिबा कथा नुहे, सेठी काहेकि गांधी अप्रासंगिक होइछंती? गांधी आइडियोलोजी कौन आज अप्रासंगिक हो पड़ला? गांधी अर्थनैतिक चिंताधारा, गांधी राजनीति को लेकिन चिंताधारा, गांधी दर्शन, ये सब कौन आज इनके अप्रासंगिक होती? सोशल मीडिया रे गांधी अपेक्षा गॉडसे प्राधान्य पाँच कहीं? गॉडसे एमती कौन चिंताधारा नाला? गॉडसे अर्थनीति को लेकिन कौन चिंताधारा नाला? गॉडसे राजनीति को लेकिन कौन प्रासंगिकता नाला? कि कहीं जो प्रश्नटी आज भारतीय मैंने उठाऊँच गॉडसे कहीं? देखिए यहाँ जो मुझे सिस्टमेटिक गोटे इकोसिस्टम तैयारी हो गांधी नेहरू अन्य जो अन्य माने स्वाधीनता संग्रामी अच्छी विरुद्ध गोटे इकोसिस्टम तैयार होता गोटे से सब पार्ट गोटे एग्जांपल देवी जोटा गांधी अर्थंती गांधी दर्शन से विषय गोटे एग्जांपल देवी दीटा आश्रम जो गांधी स्थापन करते गोटे अहमदाबाद रे साबरमती आश्रम आ महाराष्ट्र रे सेवाग्राम नागपुर पाखे
दीटा जाक आश्रम वर्तमान फरक देखिए सेवाग्राम रे जो आश्रम स्थापित होता जो खपर घर थिला जो माटी कांथ थिला जो पिलर बाड़ी रो पिलर थिला गोटे काठ बाड़ी रो पिलर थिला सेटा वर्तमान भी इंटैक्ट अछि आपण जिबे गांधी आत्मा को आपण अनुभव करबे किंतु गुजरात रे जो कि दीर्घ दिन धरिकरी बीजेपी सरकार रहिछि सेई जागा रे आपण साबरमती आश्रम जेते बेले जाउछी पूरा गांधी को सत्ता हजी गलानी से साबरमती आश्रम ने नष्ट कर दिया गलानी से लिगासी को आउ सेथरे मार्बल सब जोटा गांधीर दर्शन प्रचुर विरोधी गांधी कौन कहते गांधी कहते जोटा आप किलोमीटर दूर से जो रिसोर्सेस मिलती से रिसोर्सेस को यूज करो सेवाग्राम से साबरमती भी सहीला कि साबरमती सब आप देखिए म्यूजियम हो गला आउ मेमोरियल रही नहीं कि सेवाग्राम रे लोक वर्तमान भी जाऊंट रही से जगह अधिवास मान इनमेट सिकरी रहउछंती स्कॉलर माने जाउछंती जोटा आ साबरमती रे संभव न नेक्स्ट एग्जांपल ले भी जालियाना वाला बाग रे एई माने लिगेसी भगत सिंह माने जे जालियाना बाग रो जो गुलीकांड रो लिगेसी को भी खत्म करउछंती जे जो काम थरे गुली बाजी थला जनरल डायर ऑर्डर देथिले गुली आ गुलीकांड हेतला गुली रो चिन्ह थला से कांथ को भी पलस्तरा करि करि बंद कर देले भविष्य जनरेशन जानी भी पारे जे यही जगह गोटे गुलीकांड गांधी से परिदर्शन करते से जगह आई हिसाब से गांधी लिगेसी को धीरे 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 गांधी एवं अन्य जो मैंने कांग्रेस लीडर थे जो मान स्वाधीनत डायरेक्ट अवदान था से धीरे धीरे खत्म करहबा आउ संघ रो आरएसएस रो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रो जहार किसी 1% भी योगदान न थिला स्वाधीनता संग्राम रे से माने वर्तमान राजत्व रे आछन्ती तांकर जो तांकर सपोर्टेक जो पार्टी से पार्टी राज्य सरकार माने केंद्र रे सरकार करिछि विभिन्न राज्य रे सरकार करिछि से माने वर्तमान सेही इकोसिस्टम तयारी करथि किंतु जदी डायरेक्टली ऑफिशियली जदी हिम्मत अछि ऑफिशियली से माने नाफकाम करसे तो दिवस का पालन करंतु एठ गांधी जयंती दिन किंतु तांकर सैन्य जो ट्रोल आर्मी को लगे नहले सरकार कौन क्लेम डाउन करंतनी काहे कि जो मैंने ट्रोल कर गांधी विषय गांधी विरुद्ध नाथुराम गोडसे गोडसे अमर रहे कहते से ट्रोल जो नेट रे सर्च करिवे से समस्ते मोदी फॉलोड बाय मोदी से भितर किछि अछन्ति फॉलोड प्राउड टू बी फॉलोड बाय मोदी बोली लिखिछन्ति श्रीजुक्त साहू किसी लोक आप देखिए सीधा सड़क भाव में दाबी भी करते ट्विटर या बैन करू ट्विटर मानने अकाउंट गुड़ी ब्लक करूँ गृहमंत्री को अनुरोध करते जो मैंने गडसे जिंदाबाद बोली कहते अंत पक्षे विरुद्ध में पुलिस आईनगत कार्यानुष्ठान नौ ये दाबी जुक्ति मानने रही ना ये जुक्ति संगत कि नुहे बिल्कुल युक्ति संगत किंतु मु गारंटी दूची कौन सी गोटे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सरकार देवे नहीं है साइलेंट रही चुपचाप रही कहीं इंस्टिगेटर से ही निजे तो ये को वार्ता वर्तमान दूची श्रीजुक्त साहू मुझे शेष पचारूँ जे गांधी जन्मदिन में गडसे ट्रेंडिंग करेंगे ए बाबद लोक मान प्रति जो प्रकार आचरण और उच्चारण आशा कराए ता देखा मिलना भारतीय अर्थनीति भारतीय राजनीति गांधी को बाद दे कि चिंता करान जाई पारे से भली क्षेत्र में जब प्रशासन नीरव द्रष्टा साजिब सरकार बाबद किसी कहे ना एवं कहो कि यह हूँ गोटे समुदाय भारत प्रतीक जे पूरा गांधी अबसोलेट करेंगे जगह गडसे आसबे आग को ये तार गोटे धारा गोटे जो आप इकोसिस्टम कहते हैं आरंभ हो गांधी लिगेसी के अप्रासंगिक हेबन ओके गांधी लिगेसी सब दिन रही कहीं गांधी होंगे रियल दर्शन हूँ रियल अर्थनीतिक चिंताधारा रियल आज भी गांधी अर्थधारा अर्थनीति जो इम्प्लीमेंट करा जाए ठीक भाव तो भारत बहुत सुधरी जीव कहीं गांधी सब कहते जो भी पॉलिसी निया जीव सरकार द्वारा सेटा लास्ट मैन स्टैंडिंग जो लास्ट लोक थी लाइन रे पहुंचा कथा से चिंताधारा के अप्रासंगिक हमने एमाने जहा आक्रमण कले भी जहा गांधी को विरुद्ध रे कुसार रटना कले भी
ଏଟା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଦେଶ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ଭୁଶୁଡି ଭୁଶୁଡି ପଡିଲାଣି, ମାଇନସରେ ଯାଉଛି ଅର୍ଥନୀତି, ଜିଡିପି ମାଇନସରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଲୋକ ଇରିଟେଟ ହେବେ, ଏମାନେ ଯେତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ସରକାର ପ୍ରତି ଇରିଟେଟ ହେବେ, ଯେହେତୁ ସରକାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମଜା ଦେଖୁଛି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁଷାରଟନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉ ସରକାର ରାଜତ୍ୱରେ ଅଛି ସେ ସରକାର ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି, ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବା କୁହାଯାଇପାରେ ସିଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା କଥା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ତାହା କେତେଦୂର ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଆମର ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏହାକୁ ବାଧା ଦେବା କଥା ତାହା ବି ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଆଜି ଯିଏ ବି କ୍ଷମତାରେ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ବାବଦରେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ହେଉ, ସ୍ୱଦେଶୀ ବାବଦରେ କୁହାଯାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ନିଆଯାଉ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ବା ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗଡ଼ସେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଭାରତ ବାବଦରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଆଜିର ଦିନରେ। ଏବଂ ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି ଯେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ସେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଲୋକମାନେ ହିରୋ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ମନର କଥା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଜି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିବା କଥା ତାହା ବୁଝନ୍ତି, ଏବଂ କେତେକ ଦାବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯେ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗଡ଼ସେଙ୍କୁ ହିରୋ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଡ଼ସେଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଟ୍ୱିଟରରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇବି ଯେ ଭାରତର ରାଜନୀତି, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତ ବାବଦରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ବା କହିବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ। ନମସ୍କାର।